हरे कृष्णा। कले दोष निधे राजन अस्थि एक महान गुण कीतना देव कितनस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। तो कलयुग में चारों तरफ दोष ही दोष, त्रुटि ही त्रुटि दिखाई देती है हमको। जहाँ भी हम देखेंगे कोई भी व्यक्ति, कुछ ना कुछ दोष उसमें जरूर रहता है। और दोष ऐसा नहीं कि दोष नहीं, दोष वास्तव में है, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कले दोष निधे राजन, ये कलयुग जो है दोषों की निधि है। तो यहाँ दोष तो रहेंगे ही, लेकिन क्या केवल दोष देखना फॉल्ट फाइंडिंग है क्या? ऐसा नहीं है। हमको समझना होगा फॉल्ट फाइंडिंग होती क्या है। केवल किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, कोई गलत शब्द बोल रहा है, तो केवल देखना दोष नहीं होता है, वो फॉल्ट फाइंडिंग कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि दोष है जो दिख रहा है, जो बुद्धि उसका कर्तव्य डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद करना, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ दोष है कहाँ को निर्दोष है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन करना। तो एक समझदार साधक डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो फिर फॉल्ट फाइंडिंग क्या है? दोष देखने के बाद उसका रिएक्शन निर्धारित करता है कि वो फॉल्ट फाइंडिंग है या नहीं। हमने किसी का दोष देखा और दोष देखने हम तुरंत उसकी निंदा करेंगे, यहाँ वाले लोगों को बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। कलयुग में तो लोग आओगी आदत है, किसी से कोई व्यक्ति पसंद नहीं है उससे बदला लेना, तो वाह अब मौका मिला, नहीं सब जगह इसकी निंदा करूंगा, उसको बदनाम करूंगा। तो दूसरों की इमेज को पुल डाउन करना, दूसरों की टांग खींचना, उनके कुछ षड्यंत्र रचना, साजिश रचना, उसको बदनाम करने का प्रयास करना, यह फॉल्ट फाइंडिंग कहलाता है। तो दोष देखने के बाद, दोष देखना फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, दोष देखने के बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ नॉन डिवोशनल एक्ट, उसको बदनाम करना, उसकी निंदा करना, इसको बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। तो हमको समझना चाहिए फॉल्ट फाइंडिंग होती क्या है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता, वो क्या करता है? जब वो किसी में दोष दिखता है कि दोष तो है, उसमें वो समझता है कि देखो मेरे में भी दोष है, इनमें भी दोष है। मैच्योर डिवोटी का मतलब होता है जो अपनी कंडीशनिंग को भी समझता है, दूसरों की कंडीशनिंग को भी समझता है, दैट इज अ मैच्योर डिवोटी। तो जब दोष देखता है तो जो भक्त होता है उसका पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? दोष देखते तुरंत वो प्रभुपाद जी से, कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे प्रभुपाद जी, हे कृष्णा, मुझे इस भक्त में, इस व्यक्ति में कुछ दोष दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि ये सही हो सकता है मैं सही भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ त्रुटि है, तो कृपा करके आप इसका ऐसा कुछ कीजिए, ऐसे कुछ ऐसी बुद्धि दीजिए कि अपने दोष से मुक्त हो सके और आपकी तरफ इसका मन लग सके, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में मन लग सके, भगवान के सत्संग में मन लग सके। ये भक्त करता है, ये भक्ति कर रहा है। तो जब कोई फल देखते हैं तो शिक्षा हमारे लिए है, हम जब दूसरों में दोष देखते हैं तो बजाय उसको बदनाम करने के, बजाय हमें प्रभुपाद जी से, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसका जो दोष है वो दूर हो, उसका मन भगवान की भक्ति में लग सके। तो सीइंग फॉल्ट इज नॉट ए फॉल्ट फाइंडिंग। केवल दोष देखना फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, दोष देखने के बाद अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना फॉल्ट फाइंडिंग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।